बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, इजी लर्निंग में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात करनी है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स टॉपिक 1.6, और इसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर डिस्कशन चल रही है। अब जो आने वाला है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में मीटर रूल से बात की। आपने देखा कि मीटर रूल बेसिकली एक स्केल है, और ये जो स्केल होता है ये तकरीबन एक्यूरेसी मिनिमम यहाँ पर जो इससे आप रीडिंग ले सकते हैं, डेट इज़ वन मिलीमीटर, उससे छोटी रीडिंग क्योंकि स्केल ही नहीं है तो उससे छोटी हो तो वो हम ले नहीं सकते। लाइक 0.1, 0.2, इस तरह की जो रीडिंग्स हैं वो हम इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी से नहीं ले सकते। लाइक सपोज़ करें कि यहाँ पर ये कोई हमारे पास रीडिंग है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, तो वो इसको शो करेगा कि ये 5 मिलीमीटर है। अगर हम चाहें तो वो 5 हो सकता है, एक्चुअली वो हो 4.9 मिलीमीटर, हो सकता है 4.7 मिलीमीटर हो, तो उसको 5 ही शो करेगा बिकॉज उससे जो छोटी रीडिंग्स है वो उनको कैलकुलेट नहीं कर सकता। सो इससे ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए फिर हम वर्नियर कैलिपर्स की तरफ आते हैं। अब वर्नियर कैलिपर्स बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। ये जो वर्नियर कैलिपर्स है, जैसे स्टार्टिंग में बात की थी कि ये फिज़िक्स की जो लेबॉर्ट्री है उसमें जो इक्विपमेंट है उसको डिस्कशन हो रही है। उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अब आजकल यूज़ नहीं होते, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे, एटलीस्ट हमें उनका पता होना चाहिए। अब आजकल जो मीटर्स आ रहे हैं वो डिजिटल हैं, वो यहाँ पर आएगा भी आपके पास। बाय द वे कि वर्नियर कैलिपर्स में स्लोली इसमें इम्प्रूवमेंट आई। इसके बाद में अगर आप लोगों को थोड़ा सा ये गूगल पे देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप गौर करें कि यहाँ पे भी ये वर्नियर कैलिपर देखें, और यहाँ से अगर कोई और देखें आप वर्नियर कैलिपर्स, तो इसमें आप लोगों को ये देखें स्केल इसका बढ़ाया गया। इवन इसका ये जो लेंथ है ये पीछे वाली साइड से ये भी मॉडल्स में डिफरेंट आई। और डिटेल्स में तो इसमें जाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप लोगों के जो बुक है उसकी डिमांड के मुताबिक ही बात होगी यहाँ पे। ये देखें फिर बाद में डिजिटल आ गए, डिजिटल में तो और ज़्यादा एक्यूरेसी भी आ गई और आपकी काम की रीडिंग लेने की स्पीड भी बढ़ गई। इस वक्त इससे पहले जो रीडिंग ली जाती है, जो आज हम देखेंगे, वो एक पुराना मेथड है जो हमारी बुक में है। इस तरह से रीडिंग अब नहीं ली जाती, ये एक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो वर्नियर कैलिपर के पहले बारे में देखते हैं, और ये बेसिकली जो टॉपिक है मैं इसको दो पोर्शंस में रखूँगा, हाफ हम आज डिस्कशन करेंगे और हाफ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इससे पहले कि हम आगे जाएं तो आप लोगों के लिए छोटी सी एक मिनी एक्सरसाइज है कि कट अ स्ट्रिप ऑफ द पेपर शीट आपने अपने पेपर की। जैसे ये एक पेपर है और उस पेपर को आपने कट करना है, और कट करके लाइक दिस एक आपने पहले शेप दे लेनी है, और उसके बाद लाइक दिस जैसे इसने स्केल बनाया हुआ, जैसे ये स्केलिंग आपने एक रफली इस पर स्केलिंग करनी है, ठीक है। जैसे ये स्केलिंग बहुत ज़बरदस्त हुई हुई है, समझ लें कि ये वाला नीचे वाला सिर्फ आपका एक स्केल है, इतनी ज़्यादा तो आपने नहीं करनी। आई थिंक आपकी मिनी एक्सरसाइज को एक बार देख लेते हैं। नाउ मार्क सेंटीमीटर्स एंड हाफ सेंटीमीटर्स, सिर्फ आपने उसको सेंटीमीटर और हाफ सेंटीमीटर बनाना है, तो बहुत ज़्यादा इजी है। देखते हैं यहाँ पर भी बनाए होंगे। फॉर एग्जांपल यूँ समझ लें कि ये आपका एक सेंटीमीटर है और ये हाफ सेंटीमीटर है, आपने टू बनाना है, हाफ सेंटीमीटर ये बनाना है और हाफ सेंटीमीटर, यानी कि आप जो मिनिमम इससे रीडिंग ले सकते हैं डेट इज़ हाफ सेंटीमीटर। उसके बाद आप लोगों को उससे ज़्यादा इससे एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, तो ये आपने जनरल इस तरह का एक स्केल बना लेना है कि 1 सेंटीमीटर और फिर 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने इस स्केल को की मदद से कोई चीज़ मेजर करनी है। लेट्स सपोज कि हम अपनी पेंसिल को मेजर करते हैं, ठीक है, इस अपने स्केल से। लेट्स सपोज कि आपकी पेंसिल की जो मेजरमेंट है वो इधर से आएगी 4 सेंटीमीटर। लाइक अगर वो 3 और 4 के दरमियान है तो वो उसे 3.5 बता सकता है, अगर एक्चुअली वो 3.6 है तो तब भी वो 3.5 ही बताएगा, लाइक 3.7 है तो तब भी, क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं ना है। लाइक समझ लें कि आपका यहाँ पे एंड डोर है, अब या तो आप इसको ये कहेंगे या ये कहेंगे, तो इसलिए आपकी जो एक्यूरेसी है वो रियल स्केल से बहुत अच्छी आएगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन। सो व्हाट इज़ द रेंज ऑफ योर पेपर स्केल, ये आपने ख़ुद से बताना है जो आपकी रेंज होगी। व्हाट इज़ इट्स लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट ये होता है, आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो आप किसी स्केल से, किसी डिवाइस से, इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम आप लोग मेजर कर सकते हैं वो उसका लीस्ट काउंट होता है। लाइक इन दिस केस
अब हमारा चूंकि 0.5 है सेंटीमीटर, तो हम हमारा जो लीस्ट काउंट हुआ वो हाफ सेंटीमीटर हुआ। मैयर द लेंथ ऑफ द पेंसिल यूजिंग वो जो मैंने आपको बताया वो आपने करना, ये मिनी एक्सरसाइज हो गई। वर्नियर कैलिपर द एक्यूरेसी ऑब्टेन्ड इन मयरिंग यूजिंग अ मीटर रूल इज़ अप टू 1 मिलीमीटर, हाउ एवर एन एक्यूरेसी ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग सम अदर इंस्ट्रूमेंट सच एज वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ तो क्लियर हुई कि वर्नियर कैलिपर्स से हम लोग हायर एक्यूरेसी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यह चीज़ मैंने आप लोगों को बाय द वे ऑलरेडी बता दी थी। अब ये एक डायग्राम है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर में आप लोगों के पास ये जो एक स्केल नज़र आ रहा है, ये एक मेन स्केल है, जाए जस्ट लाइक योर रूलर। जैसे कि आपके पास एक स्केल रूलर होता है आपके पास, या स्केल कह लेते हैं जिसको आप जनरली, तो उसमें जो स्केलिंग हुई होती है जस्ट लाइक डैट, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ स्केलिंग हुई हुई है। अब होता क्या है कि आप ये जो एक मूवमेंट है, ये जो ये छोटा सा एक एरिया ये मूव कर सकता है लाइक दिस वे, और इस साइड पे मूव कर सकता है। लेट्स सी कि इसको भी गूगल पे देखते हैं, आपको मैं कुछ और इमेजेस दिखाता हूँ जिससे आप लोग मज़ीद इसमें अंदाज़ा और बेहतर अंडरस्टैंडिंग। ये देखें, ये उसने थोड़ा सा इसको यहाँ पे, ये जो छोटी सी एक ग्रिप सी बनी हुई है, इसको आप लोग इससे मतलब थंब से यहाँ पर लगा के, थंब यहाँ पर आप अपना थंब रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको राइट हैंड से सपोज पकड़ा हुआ तो आपकी फिंगर्स यहाँ पे, तो थंब से आप इसको यहाँ पे इससे मूव करवा सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया कि आपको एनिमेशन मिल गई है। ये देखें, ये तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छी पिक्चर है जिसने भी ये अपलोड की है, वाइवेक्स सॉल्यूशन समथिंग। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे विजिट करें, वेबसाइट बहुत अच्छा काम किया है कि ये एक एनिमेशन है। तो जैसे जैसे आप इसको स्लाइडर को मूव करवाते हैं, तो ये जो एक जॉ है ये इसके ऊपर स्लाइडर मूव करवाते हैं। आपका वर्नियर कैलिपर यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आप लोगों को दोबारा से वो दिखाऊंगा। ये देखें, आपका ये जो स्केल है ये छोटा सा है, इसके ऊपर जो रीडिंग्स हैं वो 0 से लेकर 10 तक कुछ लाइन्स हैं, तो इस पे 10 लाइन्स मौजूद हैं। अब जो इसके इसके वाला है, यहाँ पर अगर हम आएँ इस केस में, तो इसमें कुछ लाइन्स जो हैं वो कुछ और हैं, लाइक 0 से 10 तो हैं लेकिन बीच में भी कुछ लाइन्स हैं, तो ये एक और इससे एडवांस लेवल का। लेकिन हम इस चीज़ को नहीं देख रहे, हम सिर्फ ये बात करेंगे, ये एक एरिया, ये देखें, ये इसके साथ जैसे ये मूव करता है तो ये इस पर स्लाइड कर सकता है, इसको आप फुल पीछे लेके जा सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं। तो ये इसके जाज कहलाते हैं, ये जो नीचे हैं ये इसके जाज हैं। ये जो इसका फिक्स्ड है पीछे, ये इसका है मेन स्केल, और यहाँ पर हम इसी को ही थ्रू आउट द बुक कंसिडर कर रहे हैं। ये फिक्स्ड जॉ है और ये एक मूवेबल जॉ है। अगर आप इसमें कोई चीज़ जिसको आप फॉर एग्जांपल डायमीटर मेजर करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप इसको थोड़ा सा स्लाइडर को मूव करवाएंगे, यहाँ पर कोई चीज़ उसको रखेंगे और दोबारा से इसको मूव करवाएंगे ताकि वो फिक्स्ड हो सके। तो लेट मी सी कि अगर मुझे जैसे ये देखें, ये एक है, इस पे आप लोगों को ये नज़र आ रहा है कि ये भी जॉज हैं, इनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इनको जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको भी देखेंगे। ये वाले जो जॉज हैं इनको भी हम यूज़ करेंगे आज के एपिसोड में। ये आपके पास जो स्केल है इसको वर्नियर स्केल कहेंगे, मेन स्केल है, और ये स्टेम है फॉर मेजरिंग डेप्थ्स, और इसकी भी अभी हमें ज़रूरत नहीं है ये वाले की भी। तो मैं ये देख लूँ ये वाली चीज़, जैसे अब ये एक चीज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्फीयर है, अब हम क्या करेंगे, पहले इसको जॉ को यहाँ से ओपन करेंगे, ठीक है, और फिर उसके अंदर हम कोई स्फीयर रखेंगे और फिर जेंटली इसको क्लोज़ करेंगे, इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर से क्लोज़ नहीं करेंगे, ये ना हो आपकी जो शेप है वो कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से प्रेस हो जाए, लाइक क्योंकि मैकेनिकल है तो उसमें फिर एरर्स आ सकते हैं। बस जेंटली, मतलब बस उसने इसको होल्ड कर लिया, वो गिरे ना तो इतना इसको क्लोज़ करके यहाँ से टाइट वगैरह अगर ज़रूरत हो तो कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके अलावा आपको लेबॉर्ट्री में थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा अपने आप जब देखेंगे, इसके प्रैक्टिकल्स भी हैं। तो प्रैक्टिकल्स अगर हमने किए, अभी मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर हमने किए तो मैं आप लोगों को इनके लिंक्स वगैरह प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उनको फिर देखिए, अगर हुए तब तक जब आप देख रहे हुए तो उसको फिर देखेंगे हम। बाय द वे टाइम हमारे पास शॉर्ट है, तो अब हम इसकी बजाय यहाँ पर आते हैं और इसको देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, उसने यहाँ पर वो डेप्थ वगैरह को शो ही नहीं किया क्योंकि अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही हम उसको आगे जाएंगे फिर हम उसको मज़ीद देखेंगे। अब हम आते हैं
इसकी थोड़ी सी रेटिंग करते हैं। अ वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट्स ऑफ टू जॉज एज शोन इन द फिगर, ये आपका एक जॉ है और ये आपका दूसरा है, तो दोनों को मिलके क्या हुआ जॉज, एक आपका फिक्स्ड होता है दूसरा मूवेबल है। वन इज़ द फिक्स्ड विद मेन स्केल अटैच्ड, फिक्स क्या है जिस पे मेन स्केल है, एंड मेन स्केल हैज सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर मार्क्स ऑन इट। अब ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये 12 सेंटीमीटर, ये जो ऊपर वाली रीडिंग है ये ऊपर करके सेंटीमीटर लिखा हुआ है, सो ये 1 सेंटीमीटर 2, 3, 4, 5 ये जो कैपिटल बड़ी रीडिंग है, तो ये आप देख सकते हैं कि हर 8 के बाद जो 9 के दरमियान में एक और बड़ी थोड़ी सी हाइट है इसकी, इस लाइन की, इट मीन्स कि ये हाफ सेंटीमीटर को शो कर रही है, लाइक 5 और ये 5.5, 6 और ये 6.5, 7 और ये 7.5, 8, 8.5, 9 ये सारे सेंटीमीटर्स हैं। उससे नीचे अगर हम आएँ तो ये आपके पास जो छोटे यूनिट्स हैं ये मिलीमीटर्स हैं, लाइक अगर हम 11 से 10 की बात करें तो इसके अंदर 10 मतलब मज़ीद छोटे पोर्शंस हैं, लाइक अगर हम 10 ऐड करें 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, 0.6 मिलीमीटर, 0.7, 0.8, 0.9 एंड जब 0.10 मिलीमीटर हो जाते हैं तो वो एक सेंटीमीटर बना देते हैं, ठीक है। द अदर जॉ इज मूवेबल जॉ, इट हैज़ अ वर्नियर स्केल, जो मूवेबल जॉ है उसके ऊपर भी कुछ स्केल्स बने होते हैं और वो जो स्केल्स हैं वो 0 से लेकर 10 तक हैं। इन 0 से 10 यानी कि 10 छोटे छोटी जो रीडिंग्स हैं इनको हम कहेंगे वर्नियर स्केल, ठीक है, ये फिक्स्ड हैं इसके ऊपर हैं। दूसरी, अब जब आप इसको मूव करते हैं तो इंटरेस्टिंगली यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो ये जो छोटे छोटी हैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब नहीं है, लाइक अगर इसका 0 और इसका ऊपर वाले का 0 मैच कर रहा है तो आप देखें तो एंड पे यहाँ पर 1 आ रहा है कंप्लीट, इसकी ऊपर वाले मतलब मेन स्केल की जो हैं रीडिंग्स तो वो है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, जबकि ये 1 सेंटीमीटर पे नहीं है, ये है 0.9 सेंटीमीटर, थोड़ी सी ये कम होती है। इस वजह से आपकी इसकी जो छोटी लाइंस हैं वो 0.1 नहीं होती, लाइक जैसे मैंने भी बताया कि जो 11 से लेकर 12 के दरमियान 10 छोटी लाइंस हैं, 11 से 12 का मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितनी है 10 लाइंस और हर एक लाइन का जो है छोटी लाइंस का फासला आपस में वो है 0.1 मिलीमीटर। इन लाइंस का फासला जो कि वर्नियर स्केल पे हैं, इन ये थोड़ी सी क्लोज हैं, इनका फासला 0.9 है, उनका जो डिस्टेंस था वो और था, इनका डिस्टेंस और है, ठीक है। अभी हम इसको रीड करते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी काम है, इसको हम रीड करते हैं ताकि वो साथ साथ यहाँ से भी डिस्कशन होती जाए। द अदर जॉ इज़ अ मूवेबल जॉ, इट हैज़ अ वर्नियर स्केल हैविंग 10 डिवीजंस ओवर इट सच डैट ईच ऑफ इट्स डिवीजन इज़ 0.9 मिलीमीटर। आई एम सॉरी, मेरे ख्याल से मैंने बोलने में कुछ मिस्टेक कर दी, मैं ये मिस्टेक कर गया हूँ कि मैं ये बता रहा था कि हर एक जो है आपकी रीडिंग वो 1 मिलीमीटर की, आई एम सो सॉरी, मुझसे बोलने में मिस्टेक हो गई। ये एक जो आपकी स्मॉल स्केल रीडिंग है, स्मॉल स्केल छोटी वाली आपकी ये जो है, मैं इसको थोड़ा सा अगर आपको जूम करके दिखा सकूँ, ये जो आपको छोटी वाली लाइंस नज़र आ रही हैं ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, इन दो का फासला ये 1 मिलीमीटर है, ये 2 मिलीमीटर, 0.1 मेरे मुँह से निकल गया था, ये 1 मिलीमीटर, ये 0.1 सेंटीमीटर था, ठीक है, ये मिलीमीटर्स था, ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर 10 जब मिलीमीटर्स हो जाते हैं तो दिस इज़ एक वो सेंटीमीटर, फिर हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे 0 तो इसका मैच कर रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं यू कैन सी कि ये इसका 10 जो है वो यहाँ पर आना चाहिए था, है ना, ऐसे ही है ना, 10 यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन ये जो स्केल है, ये जो वर्नियर स्केल है, ये थोड़ा सा कम है, इसके जो फासला है ये 1 मिलीमीटर का नहीं है बल्कि 0.9 है, तो 0.9, ये भी 0.9, हर एक का आपस में जो स्मॉल लाइंस हैं इनका डिस्टेंस 0.9 है, तो जब ये 10 हो जाती हैं तो 0.9 प्लस 0.9 प्लस 0.9 0.9 0.9, तो इसी तरीके से आपका 1 सेंटीमीटर नहीं बनता बल्कि वो भी 0.9 सेंटीमीटर बनता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ वो 0.9 सेंटीमीटर का हुआ, जबकि ऊपर वाली साइड पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1 होता है कम्प्लीट। अब इसको थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं, ठीक है इतना ओके।
द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1। तो इसको चलें बुक में तो देख ही रहे हैं, अब आएँ इसको थोड़ा सा वहाँ पे भी देख लेते हैं। लाइक वो ये कह रहा है कि अगर आपका ये डिफरेंस है तो ये आपकी ऊपर वाली साइड पे लाइन है जो मेन है, और ये नीचे वाली साइड पे आपकी जो लाइन है वो थोड़ी सी से क्लोज है। जब सारी लाइन्स आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होती रहती हैं तो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता आपका रीडिंग का फासला कुछ यूँ हो जाता है कि लास्ट पे जाते जाते वो कुछ ज़्यादा लाइन्स उतने ही डिस्टेंस में आ जाती हैं नीचे वाले स्केल की, वर्नियर स्केल की। अब बात ये करने लगे हैं कि आपका जो ऊपर वाला स्केल है वो उसका जो डिस्टेंस है, लाइक यहाँ से लेकर जो छोटी लाइन है इसका डिस्टेंस कितना, मैंने अभी आपको बताया ये है 1 मिलीमीटर, जबकि इसका डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक डेट इज़ 0.9 मिलीमीटर, यानी कि थोड़ा सा कम। अब देखें कि आपने जो डिफरेंस है इन दोनों का अगर आप निकाल लें तो वो कितना आएगा, डिफरेंस ये आएगा कि 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर, तो ये 1 है और ये 0.9 है, इट इज़ 0.1 मिलीमीटर। ये है इन दोनों का आपस का डिफरेंस, जो कि ये दूसरे लफ्ज़ों में ये जो नीचे वाली लाइन है वो 0.1 मिलीमीटर ऊपर वाली लाइन से कम है, ठीक है ना। अगर आप 0.1 इसमें ऐड करें, लाइक 0.9 प्लस 0.1, तो ये देखें ना 9 और 1 कितने होते हैं 10, तो 1.0, तो वही आ जाती है ना 1 मिलीमीटर। तो इसका मतलब ये कि सिर्फ इतना सा डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। तो ये है वो डिफरेंस जो कि आपको पता होना चाहिए और आपकी बुक में यहाँ पे बात हो रही है। दोबारा से इसको रीड करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल, ठीक है, वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल जो मैंने अभी आपको दिखाई जूम करके, एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1 मिलीमीटर, इट इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, इसको हम वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कहते हैं। ये है वो रीडिंग जो कि वर्नियर कैलिपर अभी हम चेक करेंगे कि वो फाइंड आउट उसकी मदद से हम लोग कर सकते हैं इस वर्नियर कैलिपर से जो हम लोगों ने आप लोगों को बुक में दिखाया है। अब आपको जैसे थोड़ा सा पहले मैंने बताया कि आप लोगों का जो बेसिक रूलर होता है, बेसिक स्केल होता है, अभी मीटर रूल जो पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में, वो मैयर कर सकता था मिनिमम रीडिंग 1 मिलीमीटर की, और ये मैयर कर सकता है 0.1 मिलीमीटर की। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट हुआ ना, ये उससे भी छोटी रीडिंग को मैयर करने की सलाहियत रखता है। इट इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर कैन आल्सो बी फाउंड एज गिवन बिलो। तो ये एक छोटा सा फार्मूला है और इसको आपने याद करना है कि लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर कैसे आता है। जब भी आपसे कोई पूछेगा, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, तो आपको पता होना चाहिए इसका फार्मूला। इसका फार्मूला ये कि स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल, आपके मेन स्केल पे जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो क्या है, एंड यू नो द मेन द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज 0.1, इसका और इसका आपस में जो डिस्टेंस है थोड़ा वो है 0.1, और जो स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन वर्नियर स्केल है वो है 0.9। तो किधर गई डिस्कशन, ये है तो ऊपर वाली का कितना है 1 मिलीमीटर, तो नीचे वाली की हमने देखनी है डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो आपने वर्नियर स्केल भी लिखना है। इस फार्मूला अभी आ गया, हम एक कमिंग लेक्चर्स में हम एक स्क्रू गेज को डिस्कशन करेंगे, तो आपने इसलिए ये मैच नहीं करना, उसका भी मिलता जुलता फार्मूला है। याद रखिएगा नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल भी लिखना है साथ, सिंपल स्केल नहीं लिखना, वर्नियर स्केल। उस पर आपकी जो डिवीजन्स हैं हमारे इसमें वो हैं 10, 0 से लेके 10, तो हम इसको 10 पे डिवाइड करते हैं। तो 1 को जब आपने 10 पे डिवाइड किया इट इज़ 0.1 मिलीमीटर, हैंस लीस्ट काउंट इज़ 0.1 मिलीमीटर, और 0.1 मिलीमीटर को अगर आप कन्वर्ट करके लिखें इट इज़ 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपली उसको हमने क्या किया के सेंटीमीटर में आपका जो 0.1 है मिलीमीटर, तो उसको मिली का मतलब क्या होता है, इफ़ यू रिमेंबर, मैं आप लोगों को मैं खुद से पीछे जा रहा हूँ, हालांकि मैं आपको वहाँ पर दिखाना चाहता था, चले मैं आप लोगों को देख के बता देता हूँ। मिलीमीटर जो होता है वो होता है 10 रेस पावर माइनस 3,
इसको हम बोलते हैं मिलीमीटर, छोटा सा यूनिट है ये, ज़्यादा बनते हैं। अब अगर हम सेंटी में जाना चाहते हैं वो होता है 10^-2, इसको हम कहते हैं सेंटीमीटर। तो अगर आपने मतलब दूसरे लफ्ज़ों में अगर आपको समझ नहीं आती कि ये क्या है, तो आप मिली की जगह पे वापस पुट कर दें वैल्यू। मिली की वैल्यू है 10^-3 क्या, -3 मीटर, साथ ऐसे आ गया। तो आपने सिंपल क्या किया कि मिली की वैल्यू लगा दी। हम इसको -2 में लेके जाना चाहते हैं, तो -2 में लेके जाने के लिए इसमें +1 ऐड करना है ना, तो ये -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप क्या करें कि 10^ जो +1 से मल्टीप्लाई करवा दें और डिवाइड करवा दें, यानी कि 10^+1 से करवा दें और 10^-1 से करवा दें, इसको मल्टीप्लाई, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, ठीक है, 0.1 को। तो 0.1 को जब आपने 10^-1 से मल्टीप्लाई किया, या आप इसको इस तरह, अगर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है मैं कोड बता देता हूँ, इसको ख़त्म करें। अब आप देखें कि हम इसको -2 बनाना चाहते हैं ताकि वो सेंटीमीटर बन जाए। तो सेंटीमीटर बनाने के लिए आपने इसको -2 बनाना है, तो -3 में हम क्या ऐड करें तो वो -2 बने। सिंपल, आप एक +1 ऐड करें, तो +1 हमें चाहिए। लेकिन जब आपने कुछ भी काम करना होता है तो उसका अगेंस्ट भी आपने करना होता है, लाइक ये ताकि कट जाए। सो ऊपर क्या रहा 10^-3 और यहाँ पर है 0.1। अब आप देख सकते हैं जब इन दोनों की चूँकि वो सेम है बेस, तो 10^+1 और ये -3 आपस में ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर 0.1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे जो है वो 10 है, 10^1 का मतलब 10 होता है, मीटर साथ आ जाएगा। और यहाँ पर इसको सिंपली आप ये कर सकते हैं कि जब 0.1 को 10 मतलब डिवाइड किया तो इसका जो है 0.01 हो जाता है, ठीक है, डिवीजन के दौरान। डिवीजन तो आपको आती है ना, तो इनटू 10^, अगर डिवीजन नहीं आती तो आप MG9 देख लें, उसमें सारी हमने ये की। MG9 आपने आप साथ साथ फॉलो करें मैथमेटिक्स को भी, और यहाँ पर आपके पास जो है वो सिंपल मैथमेटिक्स ये -2 हो गया। अब ये जो चीज़ है, यू कैन सी कि इस ये किसके बराबर है, डैट इज़ इक्वल्स टू सेंटीमीटर। तो हम इसको सेंटी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर, तो 0.01। एक चीज़ आपने याद रखनी है, मिलीमीटर का मतलब मैंने पहले भी बताया छोटी है। तो जब आप छोटी चीज़ को बड़ी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं 100 रुपये को 100 रुपये में कन्वर्ट कर लूँ? बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल। इट मीन्स कि मैं उसको अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं छोटी 0.1 लिखूँगा, क्योंकि 0.1 बहुत छोटा यूनिट को मैंने बड़े में कन्वर्ट किया तो वो थोड़ा बनेगा ना। अब ये आपके पास एक मिलीमीटर जो यूनिट था, ये एक छोटा यूनिट था। जैसे आप 100 एक बड़ा यूनिट है और उसको आप 10 रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा बनेगा। 100 में कितना था, वो एक नोट था। जब आप उसको 10 में कन्वर्ट करेंगे तो वो 10 नोट बन जाएंगे, ज़्यादा बन जाएंगे, तादाद बढ़ जाती है। अभी इसकी तादाद है 0.1। अब अगर आप इसको बड़े में लेके जाना चाहते हैं तो तादाद हमेशा क्या होगी, डिक्रीज। जब आप इसको इससे वापस लेके जाएंगे तो इंक्रीज होगी। अब आप गौर से देखें, 0.1 बड़ा है या 0.01 बड़ा है? 0.1 बड़ा है, बिकॉज ये छोटा यूनिट था ना। आप इसको 10 रुपीज़ में 100 को जब कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा बनते हैं, तादाद बढ़ गई। जब आप उसको बड़े यूनिट में लेके जा रहे हैं, डेट इज़ सेंटीमीटर इज़ ए बिग यूनिट, यू कैन सी के 0-3 छोटा यूनिट है, -2 बड़ा है। आपको इतना तो पता है ना, कि ये भी नहीं पता कोई, इसमें तो नहीं कन्फ्यूज़ हो रहा है कोई स्टूडेंट? ये देखें, आपको नंबर लाइन का पता है कि 0 जो है 1 0 0 से 1 बड़ा है। जितने भी राइट साइड पे होते हैं वो बड़े होते हैं और जितने लेफ्ट साइड पे वो छोटे होते हैं। लाइक -1 जो है बड़ा है -2 से, उल्टा होता है, माइनस में उल्टा होता है। लाइक -3 जो है वो और छोटा है, -4 जो है वो और छोटा है। ऐसा ना कोई सोचे कि -4 इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे छोटा है ये, ठीक है, ये माइनस में बात हो रही है। सो आई थिंक बात ज़्यादा लंबी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसको बस इतना ही रखते हैं कि लीस्ट काउंट आपको पता लग गया क्या होता है, इसको याद कर लें। लीस्ट काउंट जो है वर्नियर कैलिपर का, डेट इज़ 0.1 मिलीमीटर एंड इट इज़ इक्वल्स टू 0.01 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं थोड़ी सी डिस्कशन के वर्किंग कैसी होती है वर्नियर कैलिपर की। सबसे पहली चीज़ जो होती है, आपने काम करना होता है वो, क्योंकि ये मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जब ये डिज़ाइन होते हैं तो इसके अंदर किसी किस्म का एरर नहीं रखा जाता। लेकिन चूँकि हमारे तक पहुँचने तक इसमें बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं, लाइक आप अब जब आप यूज़ कर रहे हैं जिस दिनों में, उससे पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स ने और भी इस्तेमाल किया होगा लेबॉर्ट्री में, और इस वजह से इसको यूज़ कर करके
थोड़े से मसले आ जाते हैं। आपको पता है ये मेटल है, तो समटाइम्स क्या होता है कि ये मेटल थोड़ी सी फैलती है, और जब गर्मियाँ आती हैं तो मेटल गर्मी की वजह से थोड़ी सी फैल जाती है, और जब सर्दियाँ आती हैं तो वो मेटल थोड़ी सी क्या हो जाती है, श्रिंक भी हो जाती है। तो इस वजह से इसमें थोड़े से रीडिंग में मसले आ जाते हैं, और इवन गर्मी सर्दी के अलावा भी जैसे मैंने बताया यूज़ कर करके इसमें एरर आ जाते हैं। एरर किस तरह का एरर हो सकता है? एरर इस तरह का होता है कि आप वर्नियर कैलिपर को क्लोज़ करें, ठीक है, और वो एक इधर वीडियो थी जो मैं कह रहा था कि बहुत अच्छी है, वो ये थी नहीं, वो कौन सी थी, आई थिंक सो कि अब यहाँ पर शायद हमें ना ही मिले, चलें कोई बात नहीं। वर्नियर कैलिपर में ये होता है कि आप जब इसको बंद करते हैं, ठीक है, क्लोज़ करते हैं इसके जॉज को, ये क्या है, ये भी एनिमेशन है, लेकिन वो जो एनिमेशन थी वो ज़्यादा अच्छी थी। जब आप वर्नियर कैलिपर्स को क्लोज़ करते हैं इसके जॉज को, अभी हम यहाँ पे बल्कि फिर इधर ही देख लेते हैं, लाइक दिस, आपने वर्नियर कैलिपर को टाइटली क्लोज़ किया, लेकिन हुआ क्या, उसको आइडियल सिचुएशन में जब आपने उसको टाइटली क्लोज़ किया वर्नियर कैलिपर को, तो ये देखें, जैसे ये होना चाहिए उसको, जब आपने इसको, इसके ये जो जॉज हैं ये आपस में देखें, कोई स्पेस नहीं बची, बिल्कुल साथ जुड़ गया, कुछ भी नहीं हमने अंदर रखा, बिल्कुल इसमें इसका जो ये वाला मूवेबल जॉ है और जो इसका फिक्स्ड जॉ है वो आपस में अटैच हो गए, अब इसमें कोई स्पेस नहीं है, दोनों ऊपर वाले जॉज भी, लेकिन ऊपर वाले को हम फोकस नहीं कर रहे राइट नाउ, तो ये जब आपस में इसको आपने जेंटली प्रेस करना, बहुत ज़ोर से नहीं, जहाँ पर जो इसका बना होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया रियल इमेजेस में, तो जब आप उसको जॉइन करवाते हैं तो होता ही है कि आपकी ये जो नीचे वर्नियर स्केल है, ये नीचे वाला, और ये जो ऊपर वाला मेन स्केल है, इसका ये में ज़ीरो और इसका ज़ीरो बिल्कुल इन लाइन होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स समटाइम ऐसा होता है कि आप इसको क्लोज़ करते हैं तो यहाँ पर कुछ, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लाइक कुछ रफ़ हो जाती है सरफेस, या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि ये आपका जब आप इसको प्रेस करते हैं तो ये कुछ मतलब यहाँ पर नहीं जाता, थोड़ा पीछे ही रुक जाता है, वो कुछ ज़्यादा ही रीडिंग शो कर रहा है। लाइक मैंने इसको बंद किया, ठीक है, वो बजाय इसके कि वो फिल बिल्कुल क्लोज़ नहीं हो रहा, थोड़ा सा पीछे रुका है, तो ये जो नीचे वाला ज़ीरो फिर यहाँ पे आके रुक जाएगा। लाइक वो अभी दिखाता हूँ आपको, ये वाला केस, आपने वर्नियर कैलिपर को बंद किया, क्लोज़ किया, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि उसमें कुछ एरर था, अब जॉज आपस में क्लोज़ हो चुके हैं, जॉज क्लोज़ हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली के स्टिल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ एरर आ गया, जॉज तो क्लोज़ हो गए हैं, लेकिन मसला ये है कि वो यहाँ पे ये जो वर्नियर का ज़ीरो था और ये मेन स्केल का ज़ीरो था, ये उसको थोड़ा सा और आगे जाना चाहिए तो फिर ये मैच करेगा, इट मींस कि यहाँ पर एरर है। सो वो एरर कितना है, पहली बात तो ये कि वो एरर कौन सा है, मतलब कि आपका इस वक्त वर्नियर के पे क्या कुछ रीडिंग, आइदर वो पॉजिटिव रीडिंग आ रही है या नेगेटिव है। अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली गौर करें तो ये रीडिंग पॉजिटिव। अब इस केस में वर्नियर कैलिपर ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे इसमें कोई बहुत ही थिन सी चीज़ लाइक पेपर आपने इसमें थोड़ा सा फोल्ड करके रख दिया, ठीक है, यानी कि वो कुछ पीछे रुक गया, इसको थोड़ा सा आगे जाना चाहिए था मूव करके, इट मींस कि इसमें कुछ चीज़ पड़ी हुई है, जैसे लाइक ये कुछ पॉजिटिव रीडिंग शो कर रहा है, अब ज़ीरो पे नहीं जा रहा, कुछ रीडिंग ऑलरेडी शो कर रहा है कुछ ज़्यादा, अब मैं इसमें जो भी चीज़ रखूँगा ना उसकी रीडिंग ये थोड़ी सी मुझे ज़्यादा शो करेगा एरर की वजह से, क्योंकि देखें अभी इस टाइम ज़ीरो रीडिंग है और ज़ीरो को भी कुछ ना कुछ वैल्यू दी जा रहा है, इट मीन्स कि मैं इसमें कोई चीज़ रखूँगा तो तब जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी और प्लस ये जो थोड़ा सा इसकी पहले ही पीछे रह रहा है, ज़ीरो पे नहीं जा रहा, तो वो पॉजिटिव एरर कहलाएगा, ठीक है। अब इस एरर को देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे आता हूँ और दूसरा सिचुएशन दिखाता हूँ। दूसरा केस आपका ये हो सकता है, सम टाइम को मेटल श्रिंक कर जाती है, ठीक है, आपका जो जॉ है उसमें कुछ मेटल, लेट्स सपोज के वो घिस जाता है, थोड़ा सा रिमूव हो जाती है, और वो कुछ ऐसा सीन होता है कि आप उसको क्लोज़ करते हैं और उसका वो ये देखें ज़ीरो थोड़ा सा आगे चला जाता है, बजाय इसके कि वो ज़ीरो पे रुकता वो थोड़ा आगे चला गया, ये तो उल्टा हो गया, अभी हमने इसमें कोई चीज़ रखी नहीं तो इसको ज़ीरो शो करना चाहिए, और ये तो माइनस में रीडिंग शो कर रहा है, ये तो कह रहा है कि इसमें से आपने उल्टा स्लाइडर को मज़ीद आगे मूव कर दिया। अब इसमें क्या होगा कि मैं अगर कोई चीज़ रखूँगा, छोटी सी चीज़ रखूँगा, लेट्स सपोज मैं पेपर रखता हूँ, सिंपल सा थिन सा पेपर,
तो उस पे ये क्या होगा, थोड़ा सा पीछे आएगा और जीरो शो करेगा। अब इट मींस कि उस पेपर की तो कोई ना कोई उसका मैस होगा, कोई ना कुछ तो उसकी रीडिंग आनी चाहिए ना, और पेपर रखने पे ये जीरो हो रहा है। इट मींस कि इसकी जो नेगेटिव एरर था उसको, उसका मतलब ये हुआ कि आपने उसमें जो थोड़ी बहुत चीज़ रखी उसको भी ये जीरो शो करी जाएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी माइनस में वैल्यू थी। तो अगर आप बहुत छोटी सी कोई चीज़ इसके जॉज में रखेंगे तो ये थोड़ा सा पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो उसका मसला ये आ गया, तो अब चीज़ रखने के बावजूद अब वो उल्टा ज़ीरो शो करेगा, अभी तो ज़ीरो से भी आगे गया हुआ है, तब वो ज़ीरो शो करेगा। अब यहाँ से आप सोचें कि चीज़ हमने जो बीच में रखी है उसकी कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए थी, और अब उस उल्टा उस पर रखने पे ये ज़ीरो पे आया है बड़ी मुश्किल से। तो इट मीन्स कि ये जो आपका एरर है जिसमें ये इससे आगे चला जाता है, इसको हम नेगेटिव ज़ीरो एरर बोलते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश ये की कि आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश करूं, लेकिन आई डोंट नो कि अब एक्चुअल क्लास में तो और सिस्टम होता है, स्टूडेंट से हम पूछ लेते हैं कि आपको समझ आ गई है या नहीं, तो कुछ और एग्जांपल्स, कुछ फिज़िकल हमारे पास ये मौजूद भी होते हैं तो वहाँ पे करके दिखा सकते हैं। लेकिन अभी इस तरह की सिचुएशन है, तो इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा मज़ीद इसमें आगे बढ़ाऊँगा, और उसके बाद फिर बाकी डिस्कशन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइंड द एरर इफ एनी इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ कॉल्ड जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जीरो एरर इसलिए कहते हैं क्योंकि जीरो स्टार्टिंग इनकी जीरो से होती है ना, जीरो जीरो से मिल नहीं रहा होता, तो जीरो से एरर कहते हैं। नोइंग द जीरो एरर, नेसेसरी करेक्शन कैन बी मेड टू फाइंड द करेक्ट मेजरमेंट, सच अ करेक्शन इज कॉल्ड जीरो करेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जीरो करेक्शन ऑफ इज़ दी नेगेटिव ऑफ द ज़ीरो एरर। देखें, अब ज़ीरो एरर जो होता है, अगर तो वो नहीं है, लाइक दिस इज़ अ फर्स्ट केस, देर इज़ नो ज़ीरो एरर, एज ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। तो इस केस में तो आपको जो रीडिंग आएगी वो 100% एग्जैक्ट आएगी और 100% क्लियर आएगी। लेकिन अब अगर हम दूसरे केस की बात करें, लाइक दिस वन, इस केस में आपको कुछ रीडिंग रखने पे वो ज़्यादा शो करेगा। अगर मेरी रीडिंग, मैंने कोई एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर की चीज़ रखी है, तो ये उसको 1.1 शो करेगा। तो मुझे पता है ना कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा रीडिंग आ रही है, तो आप क्या करें कि जब इसको ज़ीरो पे रीडिंग कैलकुलेट ऑलरेडी कर लें, क्योंकि अब ये ज़ीरो पोजीशन पे भी कुछ ना कुछ रीडिंग शो कर रहा है, उस रीडिंग को नोट कर लें। एट द एंड जो आपका रिजल्ट आएगा, जब हम इसमें कोई प्रोडक्ट, कोई चीज़ इसमें रखेंगे और उसकी मेजरमेंट लेंगे, तो उसमें से जो इसका पहले ज़ीरो पे वैल्यू थी खाली पे, वो जो वैल्यू थी लाइक छोटी बहुत जो भी शो कर रहा है वो माइनस कर दें, ठीक है। और इस केस में आपके पास ये कुछ रखे बगैर ही माइनस में वैल्यू बहुत ही कम शो कर रहा है, ज़ीरो से भी आगे चला गया। इट मीन्स कि अगर मैं कोई चीज़ इसमें रखता हूँ लाइक 1 सेंटीमीटर की, तो इसको 0.9 शो करेगा। अब वो 1 की है ना, तो हमें पता था कि स्टार्टिंग में कुछ स्लाइडर थोड़ा सा आगे चला गया था। अभी हम इसको कोई चीज़ रखे बगैर इसकी वैल्यू नोट कर लेंगे एट ज़ीरो स्टेज पे, और उसको हम ज़ीरो एरर कहते हैं, ठीक है। तो वो ज़ीरो करेक्शन कहते हैं। और एट द एंड जब हम उसमें से माइनस करेंगे या उसको प्लस करेंगे, इस केस में हम उसको प्लस करेंगे क्योंकि ये माइनस में गया हुआ है ऑलरेडी। अब अगर इसमें मैंने कोई चीज़ 1 सेंटीमीटर की रखी है, तो यहाँ तक इसको आना चाहिए था कि यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये वाली मूव होके फर्स्ट ज़ीरो लाइन इसकी यहाँ पर आ जाएगी। तो इट मीन्स कि उसको 0.9 पे नहीं बल्कि 1 पे आना चाहिए। तो एट द एंड जो इसकी इस तरह का केस होता है, उसको हम फिर ऐड कर देते हैं ताकि वो एक्चुअल वैल्यू शो कर सके। तो पहले जो हम लोग चीज़ फाइंड करेंगे वो होगी ज़ीरो करेक्शन, और जो एंड पे हम लोग परफॉर्म करेंगे उसके साथ टास्क, डैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो करेक्शन, उसको ज़ीरो एरर कहेंगे। ज़ीरो एरर इज़ नेगेटिव एज, इसको हम कहते हैं जब ये स्लाइडर इसका आगे मूव कर जाता है टुवर्ड लेफ्ट, इसको हम कहते हैं दिस ज़ीरो एरर इज़ नेगेटिव एज ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेन स्केल। ज़ीरो एरर इज़ अच्छा, अब इसको निकालने का तरीका क्या है? इसको निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका ये है कि आप ये काम करें कि लाइक यहाँ पर पहले वाले को देखते हैं, ज़ीरो एरर इज़ कितना ज़ीरो एरर है। ज़ीरो एरर ऐसे मालूम किया जाएगा, अब आप देखें पहली लाइन इसके साथ मैच नहीं कर रही, अब आप देखेंगे कि कौन सी ऐसी लाइन है, लेकिन कोई ना कोई ज़रूर मैच करेगी, ये इसमें होगा। अगर नहीं भी करेगी तो आपने बेस्ट फिट देखनी है, बाय द वे कोई ना कोई मैच कर जाएगी, ठीक है। लेकिन लाइक पहली लाइन से ये थोड़ा सा पीछे, ये तो मैच बिल्कुल नहीं कर रही, दूसरी लाइन भी कोई मैच नहीं कर रही, तीसरी भी नहीं कर रही किसी के साथ, फोर्थ भी नहीं कर रही, फिफ्थ भी नहीं कर रही,
ये वाली जो इसकी है ये भी नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही, और ये वाली लाइन जो है अगर आप थोड़ा सा और जूम करके देखें बहुत ही केयरफुली आपको देखना पड़ेगा कि ये वाली लाइन एग्जैक्टली ये मैली मैच कर रही है। ये देखें ये वाली लाइन भी इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है और ये वाली भी इतनी एक्यूरेटली मैच नहीं कर रही। तो एक ऐसी लाइन होगी जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की आपस में मैच कर रही होगी, लाइक कोइंसाइड कर रही होगी, बिल्कुल एक दूसरे के बराबर में होगी। तो उसको आपने नोट करना है। अब ये वाली कर रही है ना, तो हम देखते हैं इसको, ये तो जीरो है, 1 2 3 4 5 6 और ये है 7, तो सेवन्थ लाइन इसके साथ मैच कर गई। अगर हमारी सेवन्थ लाइन मैच कर गई तो इसका मतलब ये है कि ये है 0.07। कैसे 0.07? आपकी जो सेवन्थ लाइन थी उसको आपने जीरो एरर के साथ मल्टीप्लाई किया। आपका जो जीरो एरर है बाय द वे वो कितना था, वो था 0.01 सेंटीमीटर, सॉरी लीस्ट काउंट था 0.01 सेंटीमीटर। आपका जो पॉजिटिव जीरो एरर लिखना था, चलो जी लिख देते हैं, जीरो एरर आया है, डैट इज सेवन्थ लाइन। उसकी लाइन कौन सी मैच कर रही है, वो सेवन्थ लाइन। उसको निकालने का तरीका ये है कि आप लीस्ट काउंट और जो लाइन मैच कर रही है उसको आपस में मल्टीप्लाई करें, लाइन मैचिंग। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो सेवन्थ लाइन मैच कर रही है, तो सेवन्थ लाइन आ गया यहाँ पे और ज़ीरो एरर आपका जो है वो 0.01 है। जब आप 0.01 को यूँ रख के मल्टीप्लाई करवाएंगे सेवन के साथ, तो 7 1 7 7 0 0 0 and 7 8 0 0, तो डैट इज़ 0.07 और इसको हम कहेंगे सेंटीमीटर। यूनिट जो है वो ऑलरेडी जो चलता आ रहा है वही आएगा, क्योंकि 0.01 का भी कोई यूनिट नहीं था, तो ये आपकी आ जाएगी इस तरीके से लाइन। तो इस तरीके से आप लोग एक ज़ीरो एरर फाइंड कर सकते हैं। अब ये है पॉजिटिव ज़ीरो एरर। तो एट द एंड हमारे पास अगर लेट्स सपोज कि मैंने इसके अंदर कोई रीडिंग ली अपने वर्नियर कैलिपर से, ये आपका समझ लें कि एक वर्नियर कैलिपर है और इस वर्नियर कैलिपर में मैंने एक रीडिंग ली, यहाँ पर मैंने कोई बॉल रखी और इस पे मैंने एक रीडिंग ली, यहाँ पर मेरे पास कोई स्केल था और वट एवर इट इज़, हमारे पास इससे अभी कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर कुछ रीडिंग थी। अब इसको करने से मेरे पास क्या हुआ कि यहाँ पर कोई रीडिंग आएगी, उस रीडिंग को मैं नोट करूँगा, एंड लेट्स सपोज कि वो रीडिंग आ रही है 10.02 सेंटीमीटर। अब ये जो रीडिंग आई है हमें पता था कि ये तो उसमें एरर था, ये तो ऑलरेडी थोड़ी सी ज़्यादा रीडिंग शो कर रहा है, तो ये रीडिंग जो है अगर मैं इसमें से ये वाली वैल्यू को माइनस करवा दूँ तो मेरे पास एक्चुअल वैल्यू आ सकती है। तो फिर हम करेंगे क्या कि हम इसमें से जो वो वाली एरर वाली वैल्यू है वो माइनस करवा देंगे 0.07। वो पॉजिटिव एरर था ना, इसलिए माइनस करवाया, ताकि जो पहले चीज़ ऐड हुई बाद में वही चीज़ माइनस हो जाए रीडिंग में से और आपका जो ओवरऑल रिज़ल्ट है वो ज़ीरो हो जाए। लाइक अगर आप शुरू में कोई चीज़ पॉजिटिव कर रहे हैं पॉजिटिव, तो एट द एंड वो क्या है, स्टार्ट में अगर आपके पास कोई चीज़ पॉजिटिव आ रही है तो एंड पे आप लोग क्या करेंगे, नेगेटिव। और अगर आपके पास स्टार्टिंग में कोई ज़ीरो एरर नेगेटिव आ रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए आप एंड पे क्या करेंगे, रिजल्ट में पॉजिटिव। तो अभी हमारे पास जो एरर था वो देखें पॉजिटिव में है यहाँ पे, तो पॉजिटिव एरर था, लाइन इसकी जो थी वो कुछ रीडिंग शो कर रही थी, तो एट द एंड आप उसको क्या करेंगे कि 0.07 यहाँ पे ये देख सकते हैं मैं माइनस कर रहा हूँ और जो मेरे पास रिजल्ट आएगा डैट वुड बी 9.0 और जब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं बल्कि 93 लाइक समथिंग कुछ इस तरह से आएगा, नहीं बल्कि ये नहीं आएगा, इसको आप लोग फाइंड कर लीजिए, या शायद 5 कर देते हैं, देख लीजिएगा आप जो भी आया फायदा हो। और इसमें फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके से आप लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये वैल्यू जो है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में फाइंड करेंगे, फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ये जो चीज़ करवाई है इसको थोड़ा सा गौर से देख के आइएगा, कमिंग लेक्चर में हम लोग इसको एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और फिर मज़ीद अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इतना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।